अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फारिक ट्रेड में। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़े भी होंगे, और आलो के लोग कर रहे हैं। पाक मीडिया क्राइंग, नो वन बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान प्लेयर ने पहला ऑप्शन। ये तो है, पाकिस्तान लोग तो पहले से नहीं लड़े, बांग्लादेश वालों की किस्मत अच्छी, ये लोग बांग्लादेश के लिए रो रहे हैं कि उसको क्यों नहीं है। आज करेंगे, देखते हैं क्या सीन है, क्या बोल रहा है। मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का पीएसएल में जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा नजर आता है। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है, उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं, क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, द अमाउंट 10-12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60-80 करोड़ तो बजट प्लेयर लेने का इंडियन, हमारे डबल कर लो 140 करोड़ ईच टीम, समथिंग लाइक दैट। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेज हैं, लाइक प्रवीण आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे कोचेज हैं उन्होंने हायर किए हुए हैं, ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिलना है, फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो यू नो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, उनके तुम बैट्समैन देख रहे हैं, क्या क्या बैट्समैन आ रहे हैं, जी ट्रॉफी कौन देखता है, इंडियन प्लेयर्स को कौन देखता है? तो अभी कादिर बैठे होते ना तो मैं उन्हें बताती, बल्कि ये इसके बाद शायद सुन ही रहे होंगे कि 27 करोड़ ऋषभ पंत वाज एक्सपेंसिव प्लेयर, ठीक है, जो पाकिस्तानी कितना बनता है, मेरे ख्याल से 88 करोड़ समथिंग आगे 8-8 की फिगर बनती है, ठीक है, ये बनता है। और आप बताएं पीएसएल की पूरी टीम आ सकती है 88 करोड़ में? 88 करोड़ में एग्जैक्टली दो टीमें, ठीक है, दो टीमें आ जाएंगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर बाबर आजम पीएसएल में ले रहे हैं सैलरी 1 करोड़। बोलिंग पावर हाउस, क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बोलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है, बिल्कुल। हम पहले हम यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश वोश खाना शुरू कर दिया तो थोड़े तगड़े हो गए, तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की है, ठीक है, एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज सौरभ ने किया, सौरभ के बाद गंगोली, धोनी जिस तरीके से सीनियर्स को लेके चला, एंड देन आईपीएल का जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट थी उनकी, उससे काफी टैलेंट उन्होंने इन्वेस्ट सही जगह की है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल जो हम लोग बात कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर को नीचे लेके आए, उसके हाथ में पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट दे दी, तो राहुल द्रविड़ को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए बच्चों को किन किन चीजों की अभी सी जरूरत है, उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे टैलेंट आए जा रहा है, चारा भी है इंडिया चाहे तो। ये जो न्यूट्रिशन, हम तो ये तो ये जो है न्यूट्रिशन की तो हम बात एक मजाक में बिल्कुल इसको ले जाते हैं, मगर काम किया, फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, सो एमआरएफ एकेडमी बनी, एमआरएफ एकेडमी में काम हुआ, फास्ट बॉलर्स की बायो मैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया एंड उनको नर्चर करना शुरू किया उस हिसाब से। वो सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट की है जिसका आपको नजर आया कि यार ये देखो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आ रहा है इस तरफ, आ रहा है लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है इस तरफ, फास्ट बॉलिंग वन ऑफ बात करते थे, कभी इरफान पठान की बात कर लेते थे, एक आधा जहीर प्लेयर्स को मैं खा रहा है, वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स, अगर बेहतर नहीं होगा हमारे प्लेयर्स खेले तो स्किल्स बेहतर होंगी आपस में खेलना। पहली जो आईपीएल हुई सोहेल तनवीर बेस्ट बॉलर हुआ, कामरान अकमल राजस्थान रॉयल से खेला, टीम अख्तर खेले, शेन वांग की, शेन वांग की, बहुत सारे लड़के तो अच्छा था ना, और उनके प्लेयर्स यहाँ भी खेले आके पीएसएल में, क्या उनके लड़के पीएसएल में नहीं खेलते, वो कहीं नहीं जाते खेलने, दुनिया में अलाउ ही नहीं करते किसी, क्योंकि हुकूमत किसकी है, एक्सट्रीमिस्ट
बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मोदी साहब, नहीं ना उसको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। प्राइस मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए ईपीएसएल की, ठीक है, इससे ज्यादा पैसे तो आईपीएल में मिल रहे लोगों को। मैं अभी भी चले एक बात कहता हूँ, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान सुपर लीग से उसका कोई मैच ही नहीं है आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। लेकिन उसके अलावा भी ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, 2-3 साल से मैं बोल रहा हूँ कि भाई पीएसएल के दौरान इतनी लीग होने लग गई है। और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दिया है। हाँ। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा पोलार्ड की बात की, शादी में चला गया। हाँ। वो शादी में जाने का ये भी रीजन था भाई, वो बॉन्ड है। हाँ। वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता, जब उसको बुलाया जाएगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अब मुझे एक बात बताए कि जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं। कुछ नाम है उसका, वो मुझे दिख रहा था की यार ये वापस शायद चेन्नई ले, लेकिन उसको भी जो है और बाकी पाकिस्तान के प्लेयर तो अलाव ही नहीं है वहां पे, तो ये चीज उन्होंने बैन किए हुए। बाकी आईपीएल की उन्होंने कौन बात है कि कुछ और वीडियोस भी ऐड किए हुए थे, इन वीडियोस भी थे कि आईपीएल में कैसे प्लेयर्स खेलते हैं, टैलेंट पास आते हैं, ये बात सच है, तो कोई शक नहीं है। आईपीएल का लेवल बहुत ही ऊपर है, जो आजकल ज्यादातर मोस्टली न्यू प्लेयर हो सारे आईपीएल सीरीज निकले हैं भाई, कोई इस तरह तो नहीं है कि ऐसे ही आया हुआ। आईपीएल में वो जब पॉलिश हो जाता है वहां पे डिफरेंट कंट्रीज के बॉलर जब वो फेस करता है तब वो जो है जब वो सही तरह पॉलिश हो जाता है वो फिर उसको जो है इंटरनेशनल में उतार देते हैं। एक चीज़ और दूसरी है भाई, ये लोग जो बातें करते हैं कि इंडिया में फास्ट बॉलर नहीं मिलता है लाना एडिंग आना है, भाई आजकल देख रहे हो क्या क्या बॉलर ला रहे हैं फास्ट बॉलर इंडिया, और क्या जो बुमराह को देख, बुमराह शामी सिराज मलिक भाई क्या क्या बॉलर ला रहे हैं मयंक, ये बुमराह की यार अगर जितनी भी तारीफ की जाए ना कम, इन्होंने क्या क्या मैच जितवाया वर्ल्ड कप में यार, तो ये तो और क्या चाहे भाई, मोहम्मद शमी याद है क्या क्या बॉलिंग कर रहा था, फाइनल कैसे जितवाए भाई, एग्जैक्टली और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो था 120 बॉलों में 120 रन थे, तब ये भी हम ये नहीं बोलते कि नहीं ये पाकिस्तान के साथ बॉलर थे, पाकिस्तान की बहुत ही जबरदस्त, ये बात कहना गलत है ना कि इंडिया के पास फास्ट बॉलर नहीं, वर्ल्ड क्लास बॉलर पाकिस्तानी टीम के पास भी है। शाहीन का बात अगर की जाए, मैं ये नहीं कहता डेफिनेटली अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन वो बहुत ही जबरदस्त बॉलर है आमिर, लेकिन ये है कि वो डिफरेंट जो है वो होते है ना लोगों के एक माइंड इसी तरह होते है, लोग कुछ कुछ ना कुछ बोल लेते हैं, बट हार्ड वर्क जो है जब होता है हर चीज में तो उसी तरह के हार्ड प्लेयर्स भी निकल आते हैं। इंडियन टीम वाले जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं, आईपीएल में उनको जो है सपोर्ट मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो लोग कोशिश करते हैं कि हार्ड वर्क करके अच्छे अच्छे बने और फिर निकल आए। बाकी वीडियो पसंद आए प्लीज वॉच नंबर मॉनिटर्स साल में जो लाइक है नहीं उसे भी दबा दीजिए, लाइक जो है तो मतलब सपोर्ट मिल रहा है, सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।